जी फ्रेंड्स, आखिर वो समय आ चुका है जब शिवा एनोबी अपनी औकात दिखाने वाला है। एक ऐसा मीम कॉइन जो एक समय पे सिर्फ मीम कॉइन था, लेकिन आज के समय पे ये एक बहुत ही बड़ा डिफाई प्रोजेक्ट बन चुका है। इसका खुद का ब्लॉकचेन आ चुका है शिबेरियम के नाम से, और इसी के साथ साथ शिबेरियम का अभी 2.0 भी आने वाला है। लास्ट टाइम आपको मैंने शिबेरियम 2.0 की अपडेट दी थी, लेकिन अभी क्या कि शिवा की काफी सारी अपडेट्स आई हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि व्हेल्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है और इसमें जो बाइंग आ रही है बहुत ही फास्टली आ रही है, एंड इसका बर्न रेट भी बहुत फास्टली इंक्रीज हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, इसका एक जीरो ऑलरेडी कम हो चुका है, सिर्फ 4 जीरोस बचे हैं, एंड डेफिनेटली हम शिबा इनु को 1 पैसा 1 रुपया बहुत जल्द देखने वाले हैं। तो वीडियो का भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूँ, वॉफ टूड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे हर एक अपडेट मैं सबसे पहले डालता हूं। अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही आ सकते हैं। वॉल्फ ट्रेड डिस्कस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहां पे आप हमारे ट्रेडर्स के साथ किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अभी व्हेल्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इसी के साथ शिबा का बर्न रेट है 800% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले एक दिन 10.34 मिलियन शिबा को बर्न किया गया था, और सबसे बड़ी अपडेट जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो ये कि 4.2 ट्रिलियन शिबा इनुस को ट्रांसफर किया गया किसी अननोन वॉलेट्स में। तो इसका जनरली मतलब क्या होता है कि शिबा की या तो बाइंग आने वाली है बहुत ज्यादा, या फिर सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि इनको बाय करके कहीं और वॉलेट में रखा जा रहा है, ताकि इनको आने वाले समय में जब प्राइस बढ़ेगा तब इनको सेल किया जाएगा। अगर कोई भी कॉइन एक्सचेंज के ऊपर आता है तो एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि उसको सेल ऑफ किया जाएगा, जिससे क्या कि प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन अगर वॉलेट्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कॉइन होल्ड किया जाएगा और इसकी वैल्यू भी बढ़ने वाली है, एंड खासकर जब ट्रिलियंस में हो, जैसे कि यहाँ पे 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा शिबा इनु को होल्ड किया गया है। तो पहले क्या था कि लगातार सेल ऑफ चल रहे थे, लेकिन अभी शिबा इनु की बाइंग आ रही है और इसको होल्ड भी किया जा रहा है। शिवा इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं जो कि गिव अवे को लेकर हैं, जिसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि क्रिसमस के ऊपर ये गिव अवे करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी एंटीसिपेशन लगाई जा रही है वो यही है कि शिबेरियम का 2.0 आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2023 में यही देखा कि L2 स्केलिंग सॉल्यूशन जो कि शिबेरियम के नाम से आया, यही एक मेजर रीजन था जिससे क्या है कि शिबा की ट्रांजेक्शन बढ़ी, इसमें बाइंग भी बहुत ज़्यादा आई। और अब इसी शिबेरियम का जो टेस्टनेट है ऑलरेडी चल रहा है और इसका मेन नेट रिवील किया जाएगा, मेन नेट के रिवील होते ही एक बहुत बड़ा पंप आने वाला है। इसका मेजर रीजन क्या है, क्योंकि शिबेरियम बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है और आज के समय में इसकी जो ट्रांजेक्शन है 200 ट्रांजेक्शन पर सेकंड है, जो कि इथेरियम से भी ज्यादा है, और बहुत से डेवलपर्स की जो अभी रिक्वायरमेंट होगी वो इथेरियम को छोड़कर अभी शिबा इनु की होने वाली है, यानी कि शिबेरियम ब्लॉकचेन की होने वाली है, क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। स्केलेबिलिटी के साथ साथ इसकी जो कैपेसिटी है ट्रांजेक्शन की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चीज अगर हम आज के दिन देखें तो इथेरियम के ऊपर लगभग $30 से भी ऊपर की ट्रांजैक्शन फीस लग रही है, वहीं शिबेरियम की बात करें तो वहां पे $0.04 के आसपास फीस लग रही है, जो बहुत ज्यादा कम है। यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों कोई इथेरियम को छोड़कर शिबेरियम को ही यूज करने वाला है। और देखा रहे तो यहाँ पे शिबेरियम एंड इथेरियम दोनों सुनने में एक जैसे नाम लग रहे हैं, शायद ही शिबा इनु को बहुत बड़ा एक स्टेप था जिससे ये इथेरियम को रिप्लेस करने वाला है फॉर सम डेवलपर्स एंड फॉर सम यूजर्स। तो यहाँ पे कम से कम जिनको ट्रांजैक्शन सस्ते दाम पर करनी है, कम ट्रांजैक्शन प्राइस पर करनी है, तो वो शिबेरियम को ही यूज़ करेंगे, एंड इसी के साथ साथ जो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो भी शिबेरियम को यूज़ करेंगे, एंड दूसरा ये कि जो डेवलपर्स हैं वो भी डैप्स बिल्ड करने के लिए शिबेरियम को यूज़ करने वाले हैं। दिसंबर महीना आने के साथ साथ क्या है कि शिबेरियम की लगातार जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैं वो बढ़ती जा रही हैं, यहाँ तक कि 4-5 सेकंड के अंदर हजारों ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अभी टोटल ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये लगभग 60 मिलियन तक टोटल ट्रांजेक्शन होने वाली हैं जो कि शिबेरियम के ऊपर करी गई हैं। तो ये तो टोटल ट्रांजेक्शन थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पर क्या है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन करी जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई थी दिसंबर 2, 2023 को। यही कारण है कि शिबा एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बनता जा रहा है धीरे धीरे, जो कि एक समय पे सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन था जिसका कोई भी एक डायरेक्शन नहीं था। अभी इसका जो अडॉप्शन रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शिबा में बाइंग आने की वजह से इसके जो एक्टिव एड्रेसेस हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, लगभग 40% से ज्यादा इसके एक्टिव एड्रेसेस इंक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज समझिए, क्योंकि यहाँ पे फीस कम है तो लगातार शिबेरियम के ऊपर ट्रांजेक्शन्स होंगी, शिबा इनु टोकन्स की ट्रांजेक्शन्स होंगी, जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी उतना ही ज्यादा इसका बर्न रेट भी इंक्रीज होने वाला है। यही कारण है कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके बर्न रेट 800% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये लगातार बढ़ने वाला है। इस तरीके से जो इसकी टोटल सप्लाई है वो भी कम होगी और डेफिनेटली अडॉप्शन तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है।
अब एक और थोड़ी सी और टेक्निकल चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे शिवेरियम आरपीसी का यूज किया जा रहा है जो कि डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, यानी कि अगर वो अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं वो शिवेरियम आरपीसी का यूज करके शिवेरियम नेटवर्क के साथ जोड़ने वाले हैं, और वो किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किसी भी तरह की डैप्स बिल्ड करना चाहते हैं तो डेवलपर फ्रेंडली एनवायरमेंट शिवेरियम आरपीसी फुल नॉर्ड्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या है कि एक इसका टेस्ट नेट ऑलरेडी चल रहा है 2.0 का, और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अभी आने वाली है वो है कि इसका फाइनल जो मेन नेट आएगा जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद ये भी वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ी सी अगर बुलिश होती है तो उसके बाद ही ये रिवील करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस यही बन रहे हैं कि दिसंबर के एंड तक या फिर जैन 2024 में ये अपना फाइनल शिवेरियम मार्केट में उतारने वाले हैं। तो इन्होंने एक हैशटैग भी चलाया हुआ है, हैशटैग डिप्लॉय ऑन शिवेरियम, यानी कि कोई भी अगर आता है अपना डैब लेकर तो वो शिवेरियम के ऊपर डिप्लॉय कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बताई है कि 20 से 40 मिनट का काम है, बहुत ही जल्द किसी भी तरह के डैप को डिप्लॉय किया जा सकता है शिवेरियम के ऊपर, और इसी के साथ साथ शिवेरियम वॉलेट को यूज किया जा सकता है, शिवेरियम आरपीसी फुल नॉट्स को यूज किया जा सकता है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्लस लाइब्रेरीज जो कि इसी शिवेरियम के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सभी बहुत ज्यादा हैंडी होने वाले हैं। एंड एक चीज आपको मैं बताना भूल गया था कि बोन टोकन के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि जब भी शिवेरियम में कुछ भी अपडेट्स आती हैं सबसे बड़ा जो मैसिव गेन हमें मिलता है वो बोन में ही मिलता है जो इसके खुद के इकोसिस्टम का कॉइन है। तो आज के हमारे इस वीडियो में शिबा इनू को लेकर इतना ही, लेकिन अगर आपको किसी और मीम कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस लाने वाला हूं, एंड इवन मैं एक लिस्ट लेकर आऊंगा जो कि टॉप पॉडकॉइंस होने वाले हैं जिसको आप बाय करके अभी से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और वैसे भी अभी मीम कॉइंस का समय आ चुका है, आपको पहले भी बताया था कि पेपे कॉइन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, इसका मीम लैंड का मीम कॉइन जो हमने बहुत लंबे समय तक ट्रैक करके रखा उसने भी अच्छा प्रॉफिट दिया, एंड मीम कॉइन जो अभी मैं बता रहा हूँ मीम लैंड का वो आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर खास ध्यान देना। ऐसे काफी सारे ऑड कॉइंट्स हैं, काफी सारे कॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिनका और भी ज्यादा डीपली मैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आऊंगा, लेकिन इसके लिए प्लीज नीचे कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें ताकि मैं उस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं। तो करंटली अगर मैं आपको एक टिप दूं तो शिबा में तो हमें प्रॉफिट मिलने ही वाला है, इसी के साथ अच्छे कॉइंट्स में से एक कार्डानो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, एंड सोलाना, इसी के साथ साथ बीएनबी में बस एक प्रॉब्लम यह है कि अभी जो इसका लॉ सूट चल रहा है और सीजी को प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो यूएस को एग्जिट नहीं कर पा रहा, लेकिन इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एफटीएक्स का एफटीटी कॉइन बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, टेरा का LUNC एंड LUNA दोनों कॉइंस अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स एक समय पर जो डेड हो गए थे बेयर मार्केट में वो धीरे धीरे रिवाइव होते आ रहे हैं, और इनके रिवाइव होने के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो भी अभी अच्छा होने वाला है। लेकिन समय बदलने के साथ अभी जो नई लिस्ट है वो टोटली डिफरेंट होने वाली है जिनमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक मेरी बाकी की जो वीडियोज़ आएंगे जिनमें अपडेट्स आने वाली हैं वो भी आप तक सबसे पहले ही पहुँचें और आप टाइमली एक्शन लेकर अर्न कर पाएँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।